दुनिया में फिर बजा मोदी का डंका। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक रिहा, 7 नौसैनिक भारत लौटे। नौसैनिक और परिजन हुए खुश, मोदी सरकार का जताया आभार। मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी जीत हुई है। कतर में उम्र कैद की सजा काट रहे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 नौसैनिकों की वतन वापसी भी हो चुकी है। देश लौटने से नौसैनिक और उनके परिजन काफी खुश है। इन्होंने मोदी सरकार का आभार जताया है। नौसैनिकों ने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से ये मुमकिन हुआ है। आखिर कतर में इन नौसैनिकों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों इन्हें मौत की सजा सुनाई गई, फिर कैसे इनकी सजा उम्र कैद में बदली और फिर कैसे इनकी रिहाई हुई, देखिए महानगर टाइम्स की ये विशेष रिपोर्ट। इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया गया गिरफ्तार। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, नाविक रागेश। कतर की एक कंपनी में काम करते थे नौसैनिक। कतर की सेना को ट्रेनिंग देती है कंपनी। इजराइल के लिए जासूसी का लगा आरोप। पहले मिली थी मौत की सजा, भारत के हस्तक्षेप के बाद उम्र कैद में बदली सजा। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाले एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। बताया जा रहा है कि इन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। अल जजीरा की माने तो इन लोगों पर कतर के सब मरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इसराइल को देने का आरोप था। इन सभी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन सभी पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई। इनके परिजनों ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर मदद मांगी। फिर मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद इनकी सजा उम्र कैद में बदली गई। मोदी सरकार ने किए रणनीतिक प्रयास। तुर्की की ली गई मदद। तुर्की के शाही परिवार से है अच्छे संबंध। अमेरिका से भी ली गई मदद। आखिर रिहा हुए नौसैनिक। इसके बाद मोदी सरकार ने अपने रणनीतिक प्रयास शुरू किए। इसके लिए तुर्की की मदद ली गई। तुर्की के कतर के शाही परिवार के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए मोदी सरकार ने मध्यस्थता के लिए तुर्की से आग्रह किया। साथ ही अमेरिका से भी बात की, क्योंकि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की कतर पर ज्यादा मजबूत पकड़ है। इसके बाद कतर ने सभी भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। नौसैनिकों का किया गया स्वागत। भारत ने की कतर की सराहना। नौसैनिकों ने की मोदी की तारीफ। कहा पीएम के प्रयासों से लौट पाए घर। विदेश मंत्रालय ने घर लौटने पर सभी नौसैनिकों का स्वागत किया। साथ ही कतर सरकार के फैसले की भी सराहना की। वहीं भारत लौटने पर नौसैनिकों ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से ही उनकी घर वापसी संभव हुई है। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया, एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मोदी सरकार ने आखिर बता ही दिया कि विदेशों में उनकी कितनी साख है। वही उनके विदेशी दौरे पर अंगुली उठाने वाले विपक्षियों को भी उन्होंने जवाब दे दिया है। वही जनता का भी भरोसा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।